तो ये कहानी है एक चतुर दर्जी की, जिसका नाम था रूपा राम था एक चतुर दर्जी। और इतने खूबसूरत कपड़े वो सिलता था कि जो उन कपड़ों को पहने हर कोई वाह वाह करता था। अरे वाह वाह, क्या शेरवानी पहनी है आपने। अरे वाह वाह, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। अरे मेरा लहंगा रूपा राम ने बनाया है। अब समझ आया, शेरवानी भी रूपा राम ने बनाई है। इतना चतुर और इतना कुशल कारीगर था रूपा राम। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में गरीबी थी। अपने घर परिवार वालों के लिए कभी वो कुछ कर ही नहीं पाया। सुंदर सुंदर कपड़े सबके लिए बनाए पर अपने परिवार के लिए कुछ ना बना पाया। पर कोई बात नहीं, एक दिन रूपा राम को शादी में जाने का न्योता आया। रूपा राम ने सोचा शादी में जाएं और वो भी बिना साफा, साफा मालूम है, पगड़ी। रूपा राम ने सोचा शादी में जाएं वो भी बिना साफा, जमता नहीं। अलमारी से निकाला पुराना साफा, झाड़ पोंछ कर पहन लिया। जब रूपा राम पहुंचे शादी में, सब ने उनकी खूब जम कर किया उभगत। और जाते वक्त मिला उन्हें एक नया खूबसूरत साफा। रूपा राम को पसंद आया वो साफा इतना कि जब उनका मन करे हर वक्त वो उस साफे को पहने लगे। जब जाए काम पे तो नया साफा पहनकर जाए, जब जाए बाजार शॉपिंग को तो वही साफा पहनकर जाए, जब जाए बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वही साफा पहनकर जाए, अरे सोए वो साफा पहनकर, खाए वो साफा पहनकर। हो गया साफा पुराना और खराब। अब रूपा राम ने सोचा कि साफा तो हो गया खराब, लेकिन गौर से देखने पर पता चला बचा है उसमें कपड़ा खास। रूपा राम ने सोचा क्या किया जाए, लग गए काम पर और बचे हुए अच्छे साफे के कपड़े से बना डाली अपनी खूबसूरत बीवी के लिए सुंदर सी ओढ़नी। क्या होती है ओढ़नी? जी दीदी, क्या होती है ओढ़नी? चुन्नी। मम्मी लेती है ना चुन्नी सूट पे, चुन्नी। अब रूपा राम की वाइफ को, बीवी को, वो इतनी पसंद आई ओढ़नी कि वो भी उसे हर वक्त ओढ़े रहती। किचन में खाना बनाए तो उस ओढ़नी को पहने, मंदिर जाए तो वो ओढ़नी पहने, अरे तालाब पर कपड़े धोने जाए तो वो ओढ़नी पहने। अब इतनी रगड़ी वो ओढ़नी रूपा राम की पत्नी ने कि हो गई पुरानी और खराब। पर रूपा राम ने जब देखा उसे ध्यान से तो पता चला अभी भी बचा है कपड़ा उसमें खास। तो रूपा राम लग गया काम पर और झटपट रूपा राम ने क्या किया, उस कपड़े में से बनाई अपने बेटे के लिए एक शानदार शेरवानी। अब शेरवानी बेटे को आई इतनी पसंद कि लगा वो भी उसे पहनने हर दम। अब स्कूल जाए पढ़ने तो वही शेरवानी पहनकर जाए, जब दोस्तों के साथ जाए खेलने, उसके स्कूल में अलाउड था, गांव में था ना, जब जाए दोस्तों के साथ खेलने तो वही शेरवानी पहन जाए, सोए शेरवानी में, खाए शेरवानी में। अब हो गई शेरवानी पुरानी और खराब। पर रूपा राम ने देखा उसे ध्यान से तो उसे लगा बचा है अभी भी इसमें कपड़ा खास। तो लग गया रूपा राम काम पर और इतनी खूबसूरत सी उसने कपड़े की बनाई अपनी गुड़िया के लिए कपड़े की गुड़िया। और जब उसने अपनी नौनी मुन्नी बेटी को वो प्यारी सी कपड़े की गुड़िया दी, उसे आई वो बहुत पसंद। अब वो खाना खाए तो गुड़िया को खिलाए और खुद खाए, जब सोने जाए तो गुड़िया को सुलाए खुद साथ सो जाए, नहाने जाए तो उसे भी नहलाए, खेलने जाए तो उसे भी खिलाए। अब वो हो गई गुड़िया पुरानी और खराब। अब जब रूपा राम ने उसे देखा उसे लगा अभी भी बचा है इसमें कपड़ा कुछ खास। लग गया रूपा राम काम पर और क्या किया उसने, उस कपड़े में से बनाया एक खूबसूरत कपड़े का जैसे आपके बालों में लगा हुआ है गुलाब। बिल्कुल सही, वो गुलाब इतना सुंदर कि अब पूजा घर में पूजा करे तो गुलाब को रख दे, घर पे कोई चाय पीने आए, ये ला उधर है दिखाओ दिखाओ अंकल को दिखाओ, बिल्कुल ऐसा गुलाब। अब जब कोई घर में चाय पीने आए तो चाय की ट्रे में रख दे उस गुलाब को, उस गुलाब को कभी इस कमरे कभी उस कमरे, कभी मैं रखूं कभी तू रखे,
और वो हो गया खराब और पुराना। अब जब रूपाराम ने उसे ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इसमें अभी भी बचा है कुछ खराब। लेकिन इस बार रूपाराम को जरूरत नहीं पड़ी कैंची की और ना ही सिलाई मशीन की, क्योंकि उसे मिल गई थी एक कहानी। एक कहानी खूबसूरत से साफे की, जो बना बाद में ओढ़नी, और ओढ़नी के बाद बनी शेरवानी, शेरवानी, शेरवानी के बाद बनी गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया के बाद बना गुलाब, के बाद एक कहानी। अब रूपा राम सज धज के हर किसी को जगह पे जा जा के इस कहानी को सुनाता, क्योंकि अब नहीं होगी ये खराब, अब नहीं होगी ये पुरानी, जितनी चाहे सुनाओ और लगेगी ये नई और खराब। ये कहानी नहीं होगी पुरानी, क्योंकि गरिमा सुनाएगी इसे गोटे गांव की हर गली मोहल्ले में, अपने स्कूल में शौर्य भी और शिखर भी। जितना इसे सुनाओगे उतनी होती जाएगी तरोताजी और मजेदार। डियर फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट